दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। अब तक का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट आदेश मध्य प्रदेश के स्कूलों पर अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कराने को लेकर जारी कर दिया गया है। अगर आप भी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि इस बार नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अतिथि शिक्षक किस तारीख से स्कूलों पर ज्वाइन होंगे, पढ़ाने जाएंगे, साथ ही उनकी जो प्रक्रिया है विज्ञापन जारी करने को लेकर उसको भी यहाँ पर तारीख जारी किया गया है। इसके पहले जो विज्ञापन ज़्यादातर जो ट्राइबल की स्कूलें हैं वहाँ पर निकाले गए हैं, उन सभी विज्ञापनों को फिर से यहाँ पर नए सिरे से इन तारीखों पर निकालना इस आदेश के कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। अब तक का बड़ा और इम्पोर्टेंट आदेश आपके सामने है। पहले आपको तारीख बता देते हैं। यहाँ पर जो तारीखें जारी हुई हैं अतिथि शिक्षकों की स्कूलों पर ज्वाइनिंग के लिए जारी की गई है, 27/7/2024 की तारीख पर SMC SMDC की बैठक यहाँ पर संपन्न करने के लिए है। और यहाँ पर दो स्टेप में ये तारीखें दी गई हैं। पहला तो जो अतिथि शिक्षक है उनको आमंत्रित करने के लिए पहला स्टेप है कि जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध है और पद रिक्त है, यानी 2023-24 के शैक्षणिक सत्र पर जहाँ पर अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे उनका पैनल वहाँ पर बना हुआ है और उन्हीं अतिथि शिक्षकों को 2024-25 में विद्यालयों पर नियुक्त करना है। तो पहले स्टेप में उनकी तारीखें हैं। तो देखिए 27/7/2024 को यहाँ पर बैठक होगी और दूसरा जो है जिला स्तरीय अनुमोदन के लिए 30/7/2024 की तारीख है। और साथ ही यहाँ पर जो तीसरी तारीख है 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में कि निर्देश के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के लिए 1/8/2024 की तारीख यहाँ पर दी हुई है। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण के लिए जिन विद्यालयों में पैनल उपलब्ध नहीं है वहाँ पर विज्ञापन के माध्यम से जो नए पैनल बनाए जाएंगे तो अतिथि शिक्षक पोर्टल में रिक्ति प्रदर्शन 24/7/2024 से यह होगी। और साथ ही विद्यालय द्वारा आवेदन प्राप्त करना जिनका स्कोर कार्ड उपलब्ध है उनके लिए 25/7/2024 से 27/7/2024 की तारीख जारी की गई है। साथ ही SMDC की जो बैठक संपन्न होगी 29/7/2024 को यहां पर तारीख आप देख सकते हैं। साथ ही जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन 30/7 और 31/7 दो तारीखें यहां पर दी गई हैं। और फाइनली लास्ट में यहां पर आप देखेंगे अतिथि शिक्षक आमंत्रण और विद्यालय में उपस्थिति 2024-25/1/8/2024 का यहां पर ज्वाइनिंग करवाना है। अब आपको दिखाते हैं ये कौन सा आदेश है जिसमें तारीख और सभी नियमों को यहाँ पर बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए यह आदेश ट्राइबल विभाग की स्कूलों पर है और जो ट्राइबल के इसके पहले विज्ञापन निकाले गए हैं उन विज्ञापनों में जो तारीखें थी वह तारीखें मान्य नहीं होंगी। इस आदेश में जो तारीखें हैं उन तारीखों के तहत काम करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यालय सहायक आयुक्त जनजाति कार्य शहडोल का 23/7/2024 का आप लेटेस्ट नया आदेश देख रहे हैं। प्रति के रूप में सभी संकुल प्रचार और विकास खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए है। विषय में 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही इसके एक दिन पहले ठीक 22 तारीख को जो मध्य प्रदेश के जनजाति कार्य विभाग के आयुक्त हैं उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदेश जारी किया, वह भी आपने देखा होगा, नहीं देखा तो उसमें हम दिखा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ये तमाम तरह के नियम हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के लोक शिक्षण संचालनालय यहाँ पर देखेंगे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के भोपाल से जो जारी हुआ है 5/7/2023 के आदेश के तहत 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो स्कूलें हैं उन स्कूलों में किस प्रकार से नियम वगैरह लागू किए जाएंगे। और यहाँ पर आगे जो बताया हुआ है समिति के बारे में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नियुक्ति जब होगी अतिथि शिक्षक की फाइनली उसका वेरिफिकेशन जो है समिति करेगी और वहाँ से अनुमोदन होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी संकुल प्राचार्य या प्राचार्यशाला प्राचार्य के द्वारा फर्जी तरीके से पुराने अतिथि शिक्षक का पैनल फीड नहीं किया गया, सभी अच्छे से ध्यान कर लें, सुन लें, समझ लें, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो पैनल अगर 2023-24 में काम कर रहा अतिथि शिक्षक है और उसका पैनल यहाँ पर नहीं बनाया गया है और नए अतिथि शिक्षक को विज्ञापन लेके ये जो समिति है यहाँ पर विभागीय
सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजाति या फिर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा केंद्र के समिति के समक्ष नए आवेदन को मंजूर करके पुराने अतिथि शिक्षक की असहमति के बिना नए वाले को रख लिया जाता है, तब यहाँ पर बड़ी कार्यवाही वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अतिथि शिक्षकों के मामले पर संकुल के प्राचार और स्कूल के प्राचार दोनों के खिलाफ की जाएगी। फर्जीवाड़े के केस पर अगर यहाँ पर पुराने अतिथि शिक्षक को वह करना चाहता है उसको नहीं रखा गया तो यहाँ पर देखिए अतिथि शिक्षक के पैनल के क्रम में ये पूरा नियम पहले जारी कर दिए गए थे और जो स्कूल पर शिक्षक हैं उनको 6 पीरियड पहले बांट देना है टाइम टेबल पर, उसके बाद 2024-25 के शैक्षणिक सत्र पर नियुक्ति करना है। यहाँ पर ये नियम सभी देख लीजिए, ये नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको पहले दिखा चुका था लेकिन यहाँ पर जो नए नियम जोड़े गए हैं वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए कि संकुल प्राचार के अलावा अन्य संस्था प्रमुख इस कार्यालय अथवा समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करेंगे। साथ ही जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन कराने का दायित्व संकुल प्राचार का होगा। और इस वाली लाइन को देखेंगे कि कतिपय कारणों से यदि किसी संस्था या संकुल के प्राचार के द्वारा नियम विरुद्ध अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके लिए संस्था के प्रमुख और संकुल के प्राचार स्वयं जिम्मेदार होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही आगे बताया कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु संकुल प्राचार और संस्था प्रमुख शासन निर्देशों का भली भांति अवलोकन करके ही नियमानुसार व पारदर्शी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। आगे बताया है कि अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु तैयार बटे अनुमोदित पैनल में से वरीयता के अनुसार आमंत्रित किया जावे। संबंधित आवेदक द्वारा लिखित असहमति देने पर ही अगले क्रम के आवेदक को आमंत्रित किया जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप कह दें वो नहीं करना चाहता था। लिखित में संबंधित 2023-24 वाले अतिथि शिक्षक का स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके सिग्नेचर होने चाहिए और वह नहीं करना चाहता यह स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए, तभी यहाँ पर नए वाले का विज्ञापन निकालना है, पैनल बनाना है। ये आप जान लें, नहीं तो आप इस बार बुरे फंस जाएंगे, निलंबन हो जाएगा आपके खिलाफ। तो यहाँ पर देखेंगे अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के लिए निर्देश कन्या शिक्षा परिसर जो हैं और आदर्श आवासीय विद्यालय हैं उनमें भी लागू किया गया है। ये तारीखें जो कि आपको वीडियो के शुरू में ही दिखा दिए हैं, तमाम तारीखें हैं 1/8/2024 से स्कूल पर पढ़ाने के लिए अतिथि शिक्षक जाएंगे। ये अनुमोदन हेतु जो प्रस्ताव देना है ये उसकी सूची है, यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। और आपको ये सिग्नेचर मिलेगा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य शहडोल और 23/7/2024। कुछ लोग कहेंगे ये तो शहडोल के लिए है, ऐसा नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के लिए है। आपको देखिए ये वाला आदेश दिखा देते हैं, इसमें जो संदर्भित ऊपर लिखा था जो आदेश, ये 22 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के ट्राइबल की जो स्कूलें हैं वहाँ के लिए जारी हुआ है 22/7/2024 को। इसमें सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं प्रति में दिया हुआ है। साथ ही आगे यहाँ पर आप देखेंगे 2024-25 में विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था के लिए, और यहाँ पर लोक शिक्षण के आदेश का संदर्भ लिया हुआ है 5/7/2023 का और 5/7/2024 का, दो आदेशों का। साथ ही यहाँ पर आप नीचे अच्छे से अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये चीज जो है, यहाँ पर रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था में यदि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक किसी अन्य संस्था में संलग्न है तो उसका पद भरा हुआ माना जाएगा और वहाँ अतिथि शिक्षक नहीं रखा जाएगा। यदि सत्र के दौरान कोई शिक्षक विद्यालय में स्थानांतरण होकर या फिर नियमित भर्ती नियुक्ति से आता है तो उसके विरुद्ध भर्ती किए गए अतिथि शिक्षक का आदेश स्वमेव समाप्त माना जाएगा। यानी अतिथि शिक्षकों का 12 माह का जो कार्यकाल की बात सामने आई थी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत में घोषणा की थी, उसके तहत यहां पर नियुक्ति नहीं हो रही है। नियुक्ति तभी तक रहेगी जब तक कोई उस पद पर रेगुलर शिक्षक नहीं आता है। फिर नीचे बताया है कि कन्या शिक्षा परिसर और आवासीय जो विद्यालय हैं, आदर्श आवासीय विद्यालय, उनके लिए भी है। व्यापार संचालक का आदेश 22/7/2024 का आदेश है और जो आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे आदेश इसके साथ अटैच किए गए हैं,
कि कहीं पर भी नियमों में गड़बड़ ना हो। यहाँ पर देखिए 5/7/2024 का भी एक आदेश है जो कि कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य पूरे मध्य प्रदेश के लिए जारी किया गया है। तो ये आदेश पूरा संलग्न यहाँ पर किया गया है किस प्रकार से प्रक्रिया को अपनाना है। तो मुझे उम्मीद है ये इम्पोर्टेंट अपडेट है, इसको शेयर ज़्यादा कर दें, क्योंकि जो संबंधित संस्था के प्रभारी हैं और संकुल के प्राचार्य हैं वह ज़्यादातर गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, अपने लोग को अंदर करते हैं, तो इस बार जो है वो फंस जाएंगे। इसलिए सभी से निवेदन रहेगा कोई भी गड़बड़ ना करे, जो रियल में है पात्र में वही गेस्ट के रूप में काम करे। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।